पावर स्टार पवन सिंह के फैंस की डिमांड पे मैं लेके आ चुका हूँ दोस्तों उनकी फिल्म सूर्यवंशम की डे 9 की यानी कि दोस्तों शनिवार की कमाई के बारे में एंड फिल्म की दोस्तों डे 10 की बॉक्स ऑफिस की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आपको डे 9 प्लस डे 10 दोनों की रिपोर्ट इसमें मिल जाएंगी आपको। मैं पहले बताने वाला उनकी फिल्म करने के बाद उनका एक और एल्बम सॉन्ग निकल के आ चुका दोस्तों, इसको ऑफिशियली यूट्यूब के सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया है। उसका नाम है गाने का कजरा मोहब्बत वाला, इसको खुद दोस्तों पवन सिंह ने गाया है एंड इसमें दोस्तों फीमेल आवाज़ दी शिल्पी राज ने एंड इसको दोस्तों केवल 5 घंटे के अंदर ही 20 लाख व्यूज मिल चुके थे। अब इसको दोस्तों 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, इसको कुल अब तक 45 लाख व्यूज मिल चुके हैं, 4.5 मिलियन, बाप रे बाप। अब बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों वीडियो लंबी नहीं करूँगा, सीधा आगे बढ़ेंगे। सूर्यवंशम फिल्म ने दोस्तों अपने डे 9 पे बुकिंग डे 9 पे कमाई करी है, PVR में 11.3 लाख की, सिनेपोलिस में कमाई करी है 6.4 लाख की, आईनॉक्स में करी है 5.9 लाख की। इसने दोस्तों 105 शो लगाए PVR में, 53 सिनेपोलिस में, आईनॉक्स में 85, टिकटें बेची हैं 3600 के ऊपर PVR में, 2100 सिनेपोलिस में, 2300 आईनॉक्स में। अब फिल्म की दोस्तों कुल कमाई PVR, आईनॉक्स, सिनेपोलिस तीनों को मिला के नेशनल मल्टीप्लेक्स चैन डाटा की ये निकल के आती है, कमाई 23,72,950 रुपये। इसने कुल शो लगाए हैं 240 के ऊपर, टिकटें बेची हैं 8100 के आसपास दोस्तों इसके अकॉर्डिंग फिल्म की डे 9 की वीकेंड की शनिवार की 7 सितंबर की कमाई निकल के आती है, ऑक्यूपेंसी आप पहले जान लीजिए 18.5% की है, इंडिया ग्रोस कमाई निकल के आती है 48,57,128 रुपये। इसने इंडिया नेट कमाई करी है 41,46,300 के ऊपर दोस्तों फिल्म ने कुल टिकटें बेची हैं 23,830 एंड कुल से लगाए 716। अब बात करते हैं फिल्म दोस्तों डे 10 की यानी कि 8 सितंबर संडे की एडवांस बुकिंग के बारे में। दोस्तों फिल्म ने 95,000 की, जी हाँ दोस्तों 95,000 की बुकिंग कर ली अपने डे 10 के लिए एंड वही फिल्म दोस्तों अपने डे 1 से लेकर डे 7 तक ऑलरेडी कमा चुकी है पहले हफ्ते के अंदर इंडिया नेट 2 करोड़ एंड इंडिया ग्रोस 2.2 करोड़ दोस्तों एंड बुकिंग में 5.4 लाख। दोस्तों फिल्म का डे 8 निकल के आया था बुकिंग में 25,000, इंडिया नेट 14 लाख, इंडिया ग्रोस 16 लाख। फिल्म ने डे 9 पे कमाई करी थी इंडिया नेट 41 लाख, इंडिया ग्रोस 48 लाख एंड बुकिंग में आप सब जानते 70,000। दोस्तों अब फिल्म ने अपने डे 10 के लिए संडे के लिए 95,000 की बुकिंग कर ली है एंड ये कमा सकती है इंडिया नेट संडे को दोस्तों 57 लाख तक, ये कमा लेगी इंडिया ग्रोस संडे को दोस्तों 67 लाख तक। दोस्तों फिल्म को ओवरसीज एंड वर्ल्ड वाइड पर रिलीज नहीं किया गया तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड एंड ओवरसीज 0 निकल के आता है। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों फिल्म की डे 1 से लेकर डे 10 की टोटल बॉक्स ऑफिस पे कमाई निकल के आती कुछ इस प्रकार, फिल्म ने दोस्तों बुकिंग करी है 10 दिन के अंदर 7.3 लाख की, फिल्म ने इंडिया नेट कमाया 10 दिन के अंदर 3.1 करोड़, इंडिया ग्रोस कमाया है 3.6 करोड़। फिल्म को ओवरसीज में वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं किया गया है तो वो 0 निकल के आता है एंड जहाँ दोस्तों फिल्म का बजट 3 से लेकर 4 करोड़ है उसमें पवन सिंह की फीस दोस्तों 90-95 लाख है एंड जो अदर स्टार कास्ट है उनकी फीस दोस्तों 50-60-80 लाख के बीच में आती है। तो अब फिल्म को दोस्तों हिट होने के लिए कमाने पड़ेंगे इंडिया नेट 4 करोड़, सुपर हिट होने के लिए कमाने पड़ेंगे दोस्तों 5 करोड़, ब्लॉकबस्टर होने के लिए कमाने पड़ेंगे 10 करोड़ और फिल्म को अब भोजपुरी में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के लिए कमाने पड़ेंगे 15 करोड़ तक दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कि पवन सिंह की पावर स्टार पवन सिंह की यह फिल्म सूर्यवंशम आने वाले दिनों में लाइफ टाइम में 15-20 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी, हाँ या ना? आप हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया बता दीजिए। बाय गाइस, टेक केयर।